शासन द्वारा बाहर से आने वाले यात्रियों को ठहरने के लिए लाखों रुपए खर्च करके बस स्टैंड शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के रैन बसेरा का निर्माण नगर परिषद द्वारा कराया गया था, जो तत्कालीन अध्यक्ष ने अपने देवर के नाम फर्जी बोली के माध्यम से परिषद की मिलीभगत से नीलामी कराकर निजी धरोहर बना दिया है। इसकी शिकायत भी पार्षदों द्वारा की गई, लेकिन आज तक रैन बसेरा खाली नहीं हुआ। कड़ाके की ठंड में बाहर से आने वाले यात्रियों को ठहरने के लिए परिषद द्वारा यात्री प्रतीक्षालय में बने दो कमरों में वैकल्पिक व्यवस्था शुरू जरूर की गई, लेकिन वहां भी ताला लगा रहता है। सीएमओ का कहना है कि इसकी चाबी परिषद के कर्मचारी के पास रहती है, जिसको जरूरत होगी वो ले सकते हैं। लड़के मेरा जेल में था, उसके रास्ते में आई थी यहाँ बस स्टेशन, वहाँ सोने के नंगर पाल से मैंने कपड़े उन्हें पल्ली कम्बल मंगाया नहीं दिया जी। तो हम अंगार लगा के बैठे हुए थे पूरी रात, लड़के बच्चे लेके हम सब कुछ लेके बैठे हुए, भूख प्यास में ऐसे ही हम बैठे हुए थे। चार छह समोसा दिया था एक होटल वाले ने, भूख खाया था।